Welcome students of class 2. Good morning. It is our last chapter of periodic 1. Chapter 15, means of communication. This is the last chapter of periodic 1 exam. Let's start. We like to send and receive messages. Children, you also see that your parents, your elders are sending and receiving messages. Messages are coming from your relatives, friends. So, everyone likes to receive and send messages. The process of sending and receiving messages is called communication. तो जो process होता है, message को send करने का और receive करने का जो process होता है, जो work होता है, that is called communication. उसी को हम communication कहते हैं. Today we have a number of ways to communicate with people living in other places. एंड जो लोग जो आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स या जो भी बहुत दूर रहते हैं उनसे कम्युनिकेट करने का उनसे बातचीत करने का कम्युनिकेशन में आप बातचीत भी समझ सकते हैं चाहे बातचीत मैसेज के द्वारा हो या फिर पत्र के द्वारा लेटर के द्वारा हो या फिर आप कॉल करके करते हों तो जो हम बातचीत करते हैं बहुत ही दूर के लोग जो रहते हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं ये सब बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास आजकल हम बहुत ही तरीकों से दूसरों का हालचाल ले सकते हैं दूसरों के पास मैसेज भेज सकते हैं दूसरों से अपनी बातें कह सकते हैं सपोज़ आपका कोई रिलेटिव दिल्ली रहता हो मुंबई रहता हो सऊदी अरबिया रहता हो या कोई और कंट्री में रहता हो तो उससे भी आपका हालचाल मिलता रहता है ना उससे बातचीत होती रहती है कैसे होती है तो लेटर्स तो आजकल नहीं भेजे जाते सुविधा तो है लेटर्स भी आप भेज सकते हैं लेकिन आजकल कोई लेटर्स नहीं भेजता है क्योंकि उससे भी जल्दी उससे भी फास्ट कम्युनिकेशन के मींस हो गए हैं बहुत सारे साधन ऐसे हैं जो जल्दी से तुरंत ही आपका मैसेज डिलीवर कर देंगे जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन से तुरंत कॉल लगा करके बात कर लेते हैं चाहे वो बहुत ही दूर क्यों ना हो तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अब वो कौन कौन से तरीके हैं लेट्स सी फर्स्ट वन लेटर सी ये देखो एक बॉय है ये लेटर बॉक्स में डाल रहा है लेटर बॉक्स में मतलब लेटर भेजने के लिए हमें ऐसे पेपर पर लेटर लिखना होता है अपनी बातों को लिखना होता है उसको एनवेलप में करना होता है एनवेलप में रखने के बाद उस एनवेलप पर उस आदमी का एड्रेस लिखना होता है जिसके पास आप लेटर सेंड करना चाहते हैं और जब एकदम रेडी हो जाता है उसमें टिकट्स लगाते हैं और लगाने के बाद ये ऐसा एक पोस्ट बॉक्स बना होता है जो पोस्ट ऑफिस पर होता है उसमें आप लेटर्स को डालते हैं लेटर सेंडिंग मैसेजेस थ्रू अ लेटर इज पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी एक पॉपुलर मीन्स है कम्युनिकेशन का बहुत ही फेमस है वी कैन बाई पोस्ट कार्ड्स इन लैंड लेटर्स एंड स्टाम्प्ड एनवेलप्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस से हम पोस्ट कार्ड भी ले सकते हैं इन लैंड लेटर्स भी ले सकते हैं और स्टाम्प्ड एनवेलप भी ले सकते हैं ये सारे तरीके हैं भेजने के इन सब पर लिख करके भेजा जाता है लेटर्स एनवेलप में जैसे कि मैंने बताया ये भी कि उसके अंदर रख करके भेजते हैं इन सब पर लिख कर भेजते हैं फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस और ये पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं वी कैन राइट मैसेज ऑन देम और उन पर हम मैसेज लिखते हैं वी पोस्ट द लेटर्स इन टू द लेटर बॉक्स एज आई शोड यू दैट यू पोस्ट द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स द रेड कलर बॉक्स पोस्टमैन डिलीवर देम टू द एड्रेसेस एंड पोस्टमैन जो पोस्टमैन होते हैं पोस्ट ऑफिस पर पोस्टमास्टर होते हैं और पोस्टमैन होते हैं पोस्ट मैन जो होता है वो लेटर को एक जगह से दूसरे एड्रेस जो लिखा होता है उस एड्रेस पर ले जा करके उस लेटर को पहुंचाता है पिन कोड्स रिटन विथ एड्रेसेस हेल्प द प्रॉम्प्ट डिलीवर ऑफ लेटर्स और एड्रेस में पिन कोड लिखा होता है मतलब उस एरिया का कोड लिखा होता है किस एरिया में जाना है उससे आसानी होती है लेटर को पहुँचाने में और भेजने में पिन स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर ये आपको याद करना है PIN पिन जो होता है अभी मैंने बताया ना पिन कोड्स ये पिन कोड्स क्या है पिन मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर पोस्टल PIN इंडेक्स नंबर पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और बाई कुरियर मेल और जो बहुत अर्जेंट होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी पहुँचना होता है जिन लेटर्स को उनको हम क्या करते हैं उनको स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू भेजते हैं शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू अ टेलीग्राम और जो बहुत ही शॉर्ट मैसेजेस बहुत छोटा सा लिख के जल्दी से भेज देना होता है उसको हम टेलीग्राम पर भेजते हैं टेलीग्राम पर लिख के टेलीफोन
टेलीफोन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो है वो सबसे तेज कम्युनिकेशन का बहुत ही फास्ट मीन्स है, मतलब और सभी मीन्स से जल्दी नहीं मैसेज आपका पहुँचेगा, लेकिन टेलीफोन से क्विक मैसेज पहुँचता है बहुत ही जल्दी। वी कैन टॉक टू पीपल विद इन सिटीज़, इन अदर सिटीज़ एंड अदर कंट्रीज़। और उनको बात करनी होती है तो हम जो सिटी में रहते हैं हमारे लोग उनसे भी बात कर सकते हैं, जो दूसरे सिटी में रहते हैं उनसे भी हम बात कर सकते हैं, या फिर दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन। अ मोबाइल फ़ोन ऑल्सो कॉल्ड अ सेल फोन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर नाउडेज़। आजकल क्या है, जो मोबाइल फ़ोन होता है जिसे आप सेल फोन भी कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर हो गया। पॉपुलर मीन्स बहुत ही चलन में हो गया, बहुत ही फेमस हो गया है, हर लोग उसको यूज़ करते हैं। थ्रू अ सेल फोन वी कैन ऑल्सो सेंड SMS। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजेस, एंड MMS मीन्स पिक्चर मैसेजेस, मल्टी मीडिया मैसेजेस। तो ये सब हम टेलीफोन के थ्रू भेजते हैं, सेल फोन के थ्रू भेजते हैं। फैक्स। वी कैन सेंड रिटन एंड प्रिंटेड मैटर टू अदर प्लेस थ्रू फैक्स। और फैक्स भी होता है, फैक्स भी एक फैसिलिटी है जिससे हम रिटन में से प्रिंटेड मैटर जो होता है, प्रिंटेड होता है उसको टाइप करके उसको फैक्स के थ्रू भी भेजते हैं। इट रीचेस इंस्टेंटली, ये भी बहुत ही जल्दी पहुँच जाता है। न्यूज़पेपर्स। अ न्यूज़पेपर गिव्स अस डिटेल्ड न्यूज़ ऑफ इवेंट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर हमको पूरा डिटेल्स दे देता है किसी भी न्यूज़ के बारे में। हम बहुत ही डिटेल्स में बहुत सारा लिखा होता है, न्यूज़पेपर देखते हैं ना, एक मैसेज होता है, एक न्यूज़ होता है, उसके बारे में खूब डिटेल्स में लिखा होता है। और सिर्फ अपनी कंट्री और सिटी की बात नहीं होती है उसमें, अदर कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड की बात, पूरे वर्ल्ड का मैसेज हमारे न्यूज़पेपर में होता है। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। रेडियो। वी कैन लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज़ सॉन्ग्स एंड मेनी अदर प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो। हम रेडियो से क्या होता है, हम सॉन्ग, ज़्यादातर लोग सॉन्ग सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं रेडियो पर। ऑल इंडिया रेडियो इज़ कॉल्ड आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो जो होता है उसको आकाशवाणी भी कहते हैं। FM रेडियो हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज। और आजकल तो FM रेडियो बहुत ही पॉपुलर हो गया है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी दिया रहता है। टेलीविज़न, इसे तो आप सब लोग पहचानते ही होंगे, हाँ, एवरी चाइल्ड लव्स इट, कार्टून प्रोग्राम्स देखने के लिए, फिल्म्स देखने के लिए। टेलीविज़न। अ टेलीविज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स है कम्युनिकेशन का। वी वॉच मेनी प्रोग्राम्स लाइक मूवीज़, सीरियल्स, न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स ऑन TV। हम TV पर बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, आप भी देखते होंगे, और आपके फैमिली में भी बहुत सारे मेम्बर्स लोग देखते होंगे ना। कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं, कुछ मम्मी लोग सीरियल्स देखती होंगी, न्यूज़ पापा लोग न्यूज़ देखते होंगे, और स्पोर्ट्स देखते होंगे। लाइव टेलीकास्ट ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स हैव मेड द टेलीविज़न वेरी पॉपुलर। और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया, बहुत ही लोग इसको लाइक करते हैं। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाता है। कोई चीज़ कहीं बहुत दूर हो रही होती है तो वो हम अपनी TV पर एकदम लाइव देखते हैं, मतलब क्या हो रहा है वही चीज़ से वही चीज़ हम देखते हैं। कंप्यूटर। ईमेल एंड इंटरनेट आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर के थ्रू ईमेल और इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट यूज़ करके हम ईमेल्स वगैरह भेजते हैं। ईमेल्स मीन्स एक मैसेज होता है, मैसेज होता है कंप्यूटर के थ्रू भेजा जाता है। वी कैन नो अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग्स थ्रू द इंटरनेट। जो लेटेस्ट हैपनिंग्स होती हैं, जो अभी रिसेंटली जो हो रहा है वो हम इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू ईमेल। और हम मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं, सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं इसको, ईमेल के थ्रू जल्दी से हम कहीं भी मैसेज वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हैं। फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में किसी भी जगह पर कहीं से भी हम भेज सकते हैं। पीपल कम्युनिकेट थ्रू वेबसाइट्स। और वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स मीन्स जो एड्रेसेस होते हैं इंटरनेट के, दे आर वेबसाइट्स। तो पीपल कम्युनिकेट थ्रू वेबसाइट, वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। सैटेलाइट। सैटेलाइट देखिए, हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए ये अर्थ है और ये सैटेलाइट। और बच्चों आपको पता भी होगा दैट मून इज ऑल्सो आवर सैटेलाइट, एंड मून इज आवर नेचुरल सैटेलाइट। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, मैन मेड नहीं है। मून भी हमारे अर्थ के चारों ओर ऐसे ही
चक्कर लगाता है। बट दिस इज़ द आर्टिफिशियल सेटेलाइट मैन मेड, लेकिन ये क्या है, ये नेचुरल नहीं है, इसको आदमी ने बनाया है और भेजा गया है ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। क्यों लगाने के लिए? अर्थ के बारे में सारा वेदर के बारे में और भी तमाम सारे फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए ये ऊपर से अर्थ पर इंफॉर्मेशन भेजता है। कम्युनिकेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो इज़ डन थ्रू सैटेलाइट्स। दे हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर, इनसे कम्युनिकेशन जो हमारा है वो बहुत ही फास्ट हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन वॉच अ क्रिकेट मैच लाइव, हम लाइव जो देखते हैं ना टीवी में जो वहाँ हो रहा होता है, यहाँ हम सीधे देखते हैं तुरंत, वो सैटेलाइट की वजह से ही होता है। बींग प्लेड एनी वेयर इन द वर्ल्ड, क्या होता है कभी कभी आप देखे होंगे आपके पापा या भैया लोग क्रिकेट देखते हैं, लाइव क्रिकेट मैच होता है ना वहाँ जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, और यहाँ घर पे बैठ के हम सीधे देखते हैं जो वहाँ हो रहा होता है, ये भी सैटेलाइट की वजह से ही है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर, जो मॉडर्न मीन्स है कम्युनिकेशन का वो हमारे वर्ल्ड को क्लोजर मीन्स सबको एक दूसरे के पास कर दिया है, एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिया है, एक दूसरे का हाल चाल खोज खबर सब लेते रहते हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन सबको मिलती रहती है। हम यहाँ हैं हमको दूसरे कंट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ पढ़ के मिलती है, हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं, रेडियो से न्यूज़ सुनते हैं, इससे हम वहाँ का भी न्यूज़ जान जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी क्रिकेट मैच होता है, उसको हम लाइव देखते हैं, कितना ईजी हो गया है ये, कितना अच्छा हो गया है। नहीं तो हम देख पाते अगर किसी दूसरी कंट्री में या दिल्ली में, हमारी कंट्री में किसी दूसरे सिटी में हो रहा है कोई प्रोग्राम, कोई मैच हो रहा है, आप दिल्ली में मैच हो रहा है, मुंबई में मैच हो रहा है, उसको आप घर में बैठ के एकदम देख रहे हैं, सेम टू सेम जैसा हो रहा वैसा आप देख रहे हैं, हाँ। सो हाउ गुड इट इज़, ये कितना अच्छा है, इससे हम कितना क्लोज़र हो गए, मतलब कितना हम पास हो गए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं। सो चिल्ड्रन चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड नाउ एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द आंसर्स ऑफ द एक्सरसाइज। टिल देन यू हैव टू लर्न, प्लीज़ रीड ऑल द चैप्टर पैराग्राफ्स, ऑल द पैराग्राफ्स ऑफ द चैप्टर्स एंड रिवाइज इट वेल। थैंक यू।